और भी अपडेट्स आपके जरिए लेंगे। प्याज के बदले लोगों को बांटा जा रहा था, यानी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की रकम आई थी उसमें 70 लाख रुपए गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए थे, और वहां पर जो आम आदमी पार्टी में जिन लोगों ने काम किया था उन लोगों ने भी इस बात को चूंकि अपने बयान में स्वीकारा है, तो ये जो बयान है ये आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए भारी मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह से ओपी तिवारी बता रहे हैं कि जो गोवा से जो कुछ नेता थे उनके जो बयान सामने आए थे वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और जैसे कि ओपी तिवारी जी ने बताया कि करीबन 2 से 2.5 महीने आनंद रुकिए आप, ईडी को केजरीवाल के घर से अहम दस्तावेज मिले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं। शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ, ईडी ने आपके कई वॉलंटियर के बयान दर्ज किए, 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई, 70 लाख रुपए आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स में बांटे गए, ईडी ने आपके कई वॉलंटियर के बयान भी दर्ज किए हैं। तो किस तरीके से चौतरफा अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं, एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत खुलती जा रही है। गोवा में पैसों का इस्तेमाल हुआ विधानसभा चुनाव में, ये बात पहले से बीजेपी कहती आई है, और अब ईडी को अहम सबूत भी मिले हैं केजरीवाल के घर से, क्योंकि कल हमने देखा कि ईडी की टीम पहुंचती है पहली बार केजरीवाल के घर पर, ये छापेमारी होती है जहां पर अहम दस्तावेज मिलते हैं। शराब घोटाले का पैसे का इस्तेमाल गोवा में हुआ, ये पहले से बीजेपी कहती आई थी, और अब ये साबित हो गया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर्स के बयान दर्ज किए हैं, और जो वॉलंटियर्स के बयान दर्ज हुए हैं उसके आधार पर ये केस ईडी ने मजबूत कर लिया है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर, और आप नॉनस्टॉप कवरेज देख रहे हैं। और इस वक्त तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईडी को केजरीवाल के घर से कई अहम दस्तावेज मिले। जी हां, शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ, इस बात का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर्स के बयान भी दर्ज किए हैं, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत लिए गए थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 70 लाख रुपए आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स में बांटे गए, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर्स के बयान इस मामले को लेकर दर्ज भी किए हैं। तो लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत भी एक तरफ तेज हो चुकी है, और यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। लेकिन ये अहम दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगे हैं वो कैसे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये दस्तावेज जो ईडी को बरामद हुए हैं इसमें कई ऐसी बातों का जिक्र है जो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत जाहिर तौर पर आने वाले समय में और दोगुनी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल पूजा, जो ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है उसमें बिल्कुल साउथ लॉबी का जिक्र किया गया है कि किस तरह से के कविता जो उनका सीए था बुच्ची बाबू वो किस तरह से साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक 5-स्टार होटल में बाकायदा मीटिंग होती है, और किस तरह से अरविंद केजरीवाल से साउथ कनेक्शन के तार जो है वो जुड़ते नजर आते हैं। ओपी तिवारी भी हमारे साथ है। ओपी जी, लगातार जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में चार्जशीट करी, आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने इसमें पीएमएलए का केस दर्ज करा, तो साउथ लॉबी का नाम सामने आया, एक मुख्यमंत्री की बेटी का नाम सामने आया जिनसे 3 बार यहां पे पूछताछ की। ये के कविता से भी यहां पर पूछताछ हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण पूछताछ के कविता की, और के कविता जो बताएंगे उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय ईडी हेडक्वार्टर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पूछताछ चल रही है। इस मामले के 2 इंपॉर्टेंट किरदार जिनमें के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हो रही है, स्पेशल डायरेक्टर नेतृत्व के नेतृत्व में पूछताछ हो रही है, और दोनों से एक ही चीज को लेकर सवाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं, और वो है गोवा के इलेक्शन में 70 लाख रुपए खर्च किए गए वो पैसा किस रूट से रूट किया गया था, यानी उस मनी ट्रेल को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जोड़ती हुई नजर आ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और यही कारण है कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों से फिलहाल उस पैसे को लेकर पूछताछ हो रही है। आनंद, तो ओपी ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ और लोगों से भी ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है, शिकंजा जो ईडी का भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल और के कविता के बयानों के आधार पर जो आने वाले दिन है उसमें के कविता से जुड़े हुए लोग और जो अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लोग हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का पर्सनल स्टाफ भी शामिल है, और वो लोग भी शामिल है जिन्होंने गोवा इलेक्शन में भाग लिया था अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे, उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल आनंद, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि शराब घोटाले का जो पैसा था वो गोवा में इलेक्शंस के दौरान शुरू हुआ है, लेकिन ये भी हम लगता है समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब कितनी मुश्किलें जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आएंगी। आनंद, जिस तरीके से आप लगातार ये जानकारी दे रहे थे मनी ट्रेल को लेकर, अब ये मनी ट्रेल अगर डायरेक्टली लिंक होता है अरविंद केजरीवाल से या इनडायरेक्टली लिंक होता है, क्या मुसीबतें या मुश्किलें तब भी उतनी होंगी अरविंद केजरीवाल के लिए?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से अभी हाल ही में के कविता की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस नोट ईडी का सामने आया, उसमें बकायदा इस बात का जिक्र था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की कस्टडी की मांग की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में फिलहाल इस मामले में सुनवाई चल रही है। यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की तरफ से फिलहाल दलील दी जा रही है, केजरीवाल को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे कि ईडी की तरफ से यह कहा गया है 10 दिन की कस्टडी की मांग रखी गई है। और क्योंकि मनी ट्रेल का यह पूरा मामला जिसे जोड़ने के लिए कड़ियां जोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग ईडी कर रही है और ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी की मांग ईडी की तरफ से। कल रात 9:05 पर गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल को लिखित में वजह बताई गई। ईडी ये तमाम बातें अभी कोर्ट में रख रही है। आधे बाउल दही केजरीवाल मनीष सिसोदिया के कविता से जुड़े हुए थे। 100 करोड़ रुपए की किकबैक जो है वो अमानी पार्टी को मिली साउथ लॉबी से, जिसका इस्तेमाल 2 राज्यों के चुनाव में खर्च हुआ। और जैसा कि हमारे सहयोगी ओपी तिवारी जी बता रहे हैं कि किस तरह से गोवा इलेक्शन में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, कई वॉलंटियर्स ने अपने बयान ईडी को दिए हैं। ये पूरा नेक्सस जो है आप खुल के सामने आ रहा है, ईडी के सामने गोवा से जुड़े लोगों के बयान सामने, ये कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए आप देखें तो ये पूरा अगर आप देखो तो मनी ट्रेल का मामला है। बेसिकली मनी ट्रेल का मामला वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ने की बात है, और अरविंद केजरीवाल से जब जुड़ेगा, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उससे जुड़े लोगों तक ये पैसा किस तरह से पहुंचा, अरविंद केजरीवाल उसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट थी। तो फिलहाल जो 70 लाख रुपए की रकम है जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बार बार आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि गोवा इलेक्शन में खर्च हुआ था और के कविता के थ्रू चुकी पैसा आया था, और वो पैसा उसमें 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक थी उसमें से 70 लाख रुपया गोवा गया था। तो गोवा में जिन लोगों ने रिसर्चर के तौर पर काम किया था आम आदमी पार्टी के लिए गोवा इलेक्शन के दौरान, उनके भी कुछ बयान, कुछ लोगों के बयान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोट किए हैं। और अब उसको अगर आप देखें तो पूरे ग्रिल में उसको मनी ट्रेल से जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है, सुनवाई के समय हमारा पक्ष भी लिया जाए, ये ईडी का कहना है। दोपहर के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है और देश की सर्वोच्च अदालत में सबकी नजरें टिकी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ईडी ने ये कैवियट दाखिल की है और सुनवाई के समय हमारा पक्ष भी लिया जाए। एक तरीके से जो ईडी ने ये कदम उठाया है, इसे कवच के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ईडी भी ये कोर्ट से आगाह किया है ईडी की तरफ से कि उनका पक्ष यहां पर सुना जाए। हालांकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में देरी हो रही है सुनवाई पर, और आम आदमी पार्टी ने सुनवाई की जल्द मांग की थी, लेकिन दूसरे मामलों को अदालत सुन रही है, इसी वजह से देरी हो रही है। विक्रांत यादव हमारे साथ लाइव मौजूद है। विक्रांत, जो ये ईडी ने कदम उठाया है, कैविएट दाखिल की है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए जसप्रीत, एक चीज में थोड़ा सा कैवियट, तो क्योंकि सुरक्षात्मक कदम है, ईडी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो एक्यूज है उनके केस में, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने क्योंकि यहाँ पर पिटीशन फाइल की है, तो ईडी ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए कैवियट अपनी दाखिल कर दी कि उनकी याचिका को सुना जाए। तो उससे पहले अगर कोई कोर्ट आदेश पारित करती है तो ईडी का रुख भी जान ले।